नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको सर्च करना है एयरमैन सिलेक्शन, क्योंकि आपको एयरमैन बनना है तो एयरमैन सिलेक्शन आपको सर्च करना है। आफ्टर दैट आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होती है, CASB होम, वेबसाइट नहीं इसका लिंक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, बस आप लोगों को यहाँ पे जाना है। अब मैं आपको अप्लाई करना तो बता दूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी करंटली जिन स्टेट्स के लिए आई है सबसे पहले तो वो जान लीजिए, लेकिन आप अदर स्टेट वाले अप्लाई करना चाहें, रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो अभी नहीं हो पाएगी। कर्नाटका स्टेट, उड़ीसा स्टेट, गुजरात, इनकी आई है, तो ये लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 10 तारीख तक लास्ट डेट है, और 12वीं पास वाले विद फिजिक्स केमिस्ट्री। तो प्लीज़ आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो, या फिर आप कुछ दिन पहले ये वाली वीडियो जो पोस्ट की थी इसको देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में samajhjayega.in का लिंक दे रहा हूँ। आप इस पेज पे आइए, जल्दी से यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पे कुछ आना और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना और उसके बाद ये चीज़। ठीक है, तो अभी आपको किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करना है, उड़ीसा, गुजरात, जिसके लिए मर्जी कर लीजिए। जैसे कर्नाटका है तो कर्नाटका की जो सिटी है वो बेंगलुरु है, तो यहाँ पे चले जाइए। और उसके बाद उड़ीसा में करना है तो उड़ीसा की यहाँ पे अंगूल कर लीजिए, और गुजरात में जाना है तो यहाँ पे गुजरात में जाके वडोदरा कर लीजिए। तो जो भी आपको ठीक लगती है उसमें कर लीजिए। चलिए उड़ीसा में अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो अंगूल ले लेते हैं, प्रोसीड करते हैं, और उसके बाद देखिए आपसे ये मांग रहा है फुल नेम, तो चलिए एक नाम दे देते हैं हम, विवेक। ठीक है, तो मैं आपको नाम जो है वो कैपिटल लेटर में बता देता हूँ। तो ये आ गया विवेक कुमार। उसके बाद फादर नेम देना है, तो चलिए विक्रम कुमार। उसके बाद ईमेल आईडी देनी है, तो चलिए ये मैंने एक ईमेल आईडी दे दी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मुझसे मांग रहे हैं, तो 01 01 90 2000 के बाद वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो 2003 कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मांगी क्या है। तो ये कहते हैं 2000 के बाद और 2003 के पहले वाले, तो चलो इधर 2003, ठीक है 2002 कर देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। चलिए उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, तो मैं एक डमी फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये नहीं 9086012345 ये दे दिया। उसके बाद गाइस आपको आधार कार्ड नंबर देना है, अगर आपके पास है तो बताइए। कैंडिडेट हु आर प्रोवाइडिंग आधार नंबर वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू कैरी देयर आधार कार्ड। जो भी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देगा उसको आधार कार्ड लेकर भी आना पड़ेगा। तो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। मिनिमम हाइट 152.5 से कम नहीं होनी चाहिए, तो मैं 160 दे देता हूँ। अनमैरिड हूँ, मेल हूँ मैं, और स्टेट उड़ीसा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उड़ीसा के अंदर, खरूदा ले लेते हैं। चलो उसके बाद देखो ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना है, ये यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। और उसके बाद एक फोटो अपलोड करनी है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए तो ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया है, तो यहाँ पे जो फोटो अपलोड होगी वो मैक्सिमम आप 100 KB तक और मिनिमम 30 KB तक। ठीक है, ये साइज देख लो 30 KB से 100 KB की। तो एक बड़ी सी फोटो मैं अपलोड देख लेता हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे मिल जाए कम से कम वो बड़ी हो। इसका साइज 16 KB है, ये नहीं चलेगी। और ये वाली 19 से 20 KB है, ये भी नहीं चलेगी। ये वाली 20 KB नहीं चलेगी। चलो ये 35 KB की है, ये वाली चल जाएगी। तो ये मैंने अपलोड कर दी एक। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल, मेरे पास 12th है। जिनके पास डिप्लोमा होगा वो 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, जिनके पास 12th वो 12th। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं कि जो एग्जाम आपने दिया उसकी डिटेल दे दीजिए। तो किस में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे देनी है, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी है, यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया है कि आपको क्या बताना है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 12th इन। ठीक है, 12th इन लिख देते हैं। कौन से ईयर में मैंने पास की, तो 2016 लिख देता हूँ। ठीक है, विद साइंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये मैंने बता दिया। अब आपको ज़्यादा देना होगा आप ज़्यादा दे देना। तो पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कितनी आई है आपकी, तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज 70 दे देता हूँ।
ठीक है, और उसके बाद पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, तो भैया यहाँ पे मैं 60 तकरीबन परसेंटेज मांगी है, तो गाइस परसेंटेज जो है वो बताइएगा यहाँ पे, तो ये 60% दे दिया। और उसके बाद बोलते हैं 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो, तो चलो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ये रहा आईडी प्रूफ, इसको मैं 300 KB तक, ये कहते हैं 300 से 100 KB, और ये पीडीएफ फॉर्मेट चल जाएगी, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ 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 तो मेरे पास है नहीं यार यहाँ पे, तो ये वाली चल जाएगी। चलिए ये मैंने कर दी है, ठीक है, ये काफी बड़े साइज की थी मेरे पास, तो ये मैंने कर दी। उसके बाद ये जो कोड है ये आपको देना है 6YDHP, कैपिटल में मैंने दे दिया 6YDHP, ठीक है, ये हो गया, और टिक टिक एंड ये सबमिट कर दिया। कहते हैं प्लीज फिल फॉर्म कंप्लीटली बिफोर सबमिटिंग, ठीक है, तो ये कुछ बोल रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड डिटेल ऑनली अल्फाबेट्स, तो सिर्फ अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखने हैं भाई, नंबर यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो देख लेते हैं क्या इशू है यहाँ पे, अल्फाबेट्स आर अलाउड, तो एक काम करते हैं यहां से हम इसको उठाते हैं और ये डाल देते हैं भैया, ठीक है, तो इंटरमीडिएट मैंने की है, चलो अब क्या करते हैं सबमिट करते हैं। तो देखते हैं, आधार कार्ड के बिना ही मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा आधार कार्ड जरूर अप्लाई कीजिए। तो कहते हैं सक्सेसफुली आप रजिस्टर्ड हो सके हैं, योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, प्रोविजनल एडमिट कार्ड वुड बी मेल टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो बस इतना सा फॉर्म है, और ये मुझे ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड भेजेंगे तो मैं तभी रैली देख पाऊंगा। तो रैली के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग उड़ीसा से हैं, कर्नाटका से हैं, गुजरात से हैं, तो आप समझ आएगा, .in पे विजिट कीजिए और यहां से नोटिफिकेशनों को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई सवाल होगा या फिर आपको आवेदन करना है मेरे द्वारा ऑनली इन 20 रुपीज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करते हैं, तो एंड में आपको मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का पेज का पता जो है वो मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।